नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। फिर एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन है। नौ चौकी इस पाल से आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ में आदरणीय बड़े भाई गौतम जी है, और गौतम जी लगभग 3 साल हो गए इस राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी पाल पर। जीर्णोद्धार का जो कार्य चल रहा था पास में, आप देखें पूरा कार्य जो चला है, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि गौतम जी यहाँ पर रहकर क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास कार्य कर रहे हैं। और गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, 3 साल में जो आपने कर दिखाया है, जो आपने मित्रता स्थापित की है, वो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। आपके यहाँ आने से राजसमंद में करीब करीब उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर है, गिने चुने लोग ही मुझे जानते थे, लेकिन आपके यहाँ आने से शायद सैकड़ों लोग पहचानने लगे हैं, सैकड़ों लोग जानने लगे हैं कि भाई और समाज के व्यक्ति भी हैं, इनका यहाँ पर मंदिर भी है। और आपसे जब जुड़ा हुआ और यहाँ के धर्म प्रेमियों, यहाँ के अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, उसके बाद निरंतर ये मित्रता का जो ताता है ये बढ़ता गया, और आज इतना हुआ कि आज हर एक व्यक्ति 3 वर्ष में आज गौतम जी को हर एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, चाहे राजसमंद की नौ चौकी पाल के लगे हुए कर्मचारी हो और इंजीनियर में कोई भी हो, आप सभी को एक अच्छी मित्रता स्थापित की है। हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे भाई साहब आए और उन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया है। मैं बोल ही रहा हूँ इस बात को, इसको भाग गया था, काफ़ी अच्छे पल थे जो यहाँ बिताए, 3 साल पता ही नहीं चले कैसे बीत गए। और यहाँ रहकर मतलब कि बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें समाज के बारे में, जो समाज का प्राचीन मंदिर है, समाज के बनाए के द्वारा बनाई गई है पाल, यहीं पे रह के मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब कि जो काफ़ी अच्छा, और मैं जाते समय नर्वस भी हूँ कि इस जगह को मेरे को छोड़ने, इतनी सुंदर जगह को मेरे को छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, वो तो एक लगा ही रहेगा अब यहाँ से, लेकिन एक लगाव हो गया है जो है, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। गौतम जी ने 3 साल में यहाँ रहकर, जब पहली बार आए थे तब सुना था, किसी किताब में पढ़ा था कि राजसमंद में हमारी कोई संपत्ति है, हमारी कोई धरोहर है, लेकिन इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। तो गौतम जी थोड़ा सा ये बताएंगे कि 3 साल में इस मंदिर को क्या हरियाणा के लोग भी इसको पहचानने लगे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पहले मुझे लग रहा क्योंकि हम भी हरियाणा से थे, और मतलब कि ये वहीं तक सीमित है, जैसे आसपास के ज़िलों में या कहीं दूर तक इसकी प्रसिद्धि नहीं है। अब जैसे हम भी आते जाते, आपके यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो उससे वाकई मंदिर को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, बहुत से लोग जाने लग गए। और मेरे वहाँ के भी, जैसे मैं वहाँ पर जाकर चर्चा करता हूँ, आपकी वीडियोज़ दिखाता हूँ उनको, तो उनके मन में भी इच्छा है कि हम भी वहाँ पर जाएँ घूमें, और धीरे धीरे मतलब कि इसको एक प्रसिद्धि मिल रही है, लोग जानने लगे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास रहे तो आने वाले सालों में यहाँ देश के कोने कोने से लोग पधारा करेंगे। मुझे लग रहा है गौतम जी, यहाँ से आपके जाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो आपको मिला है, शायद मुझे नहीं लग रहा देश के किसी कोने में आपको इतनी प्रेम और मित्रता और इतना मान सम्मान, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के लोग अच्छे हैं, समाज के लोग हैं, आते जाते रहते हैं, मिलते हैं, घर से दूर रहते हुए भी घर की कमी महसूस नहीं हुई, बढ़िया है, मतलब कि ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, इसमें तो क्या है, बढ़िया अच्छा समय बीता। गौतम जी आखिरी वादा क्या करके जाएंगे कि इस, ये तो है ही आपका काम था, यहाँ से हमको रोजी रोटी मिली, काम भी किया, लेकिन आपने जो काम कर दिखाया है जो 3 सालों में, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये तो मैं खुद का सौभाग्य मानता हूँ, मतलब कि मैं आता चला जाता ऐसी नौकरी करके, तो ठीक है वही था, लोग आते जाते, लेकिन मुझे यहाँ रहकर, मतलब कि क्योंकि लोग तो दूर दूर से आते हैं और मुझे यहाँ रहते हुए यहीं काम करने का मौका मिला है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वादा तो यही है कि ठीक है, जब भी आप बुलाओगे, समाज जब भी याद करेगा, तो बिल्कुल पहुँचेंगे, और जैसे भी जो भी होगा तो आपने देखा मंदिर के कुछ ही दृश्य आपने भी लाइव में देखे थे कि कितना अच्छा सुंदर टीन शेड लग गया है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, बावड़ी हुई, टाइल्स लगी, ये जब आपके आगमन जब हुआ तब उसके बाद से ही ये जो मंदिर की जो विकास की है वो गति तेज पकड़ी है। नहीं, काफ़ी मतलब कि भामाशाह हैं समाज में बैठे हैं, उनके सहयोग से, आपके निरंतर प्रयास से, और यहाँ की नगर परिषद के जो पार्षद साहब हैं, XMLA हमारी, मतलब कि ईश्वर के श्रीमती किरण महेश्वरी जी, उनके प्रयासों से काफ़ी अच्छा, मतलब कि मंदिर को काफ़ी विकास हुआ है, चाहे उसमें लोहे की रेलिंग लगी है, चाहे उसमें अभी लोहे का टीन सेट लगा है, और भी कई प्रकार के कार्य निरंतर चले रहते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब कि विकास हो रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी का, ऐसे प्रेम और मित्रता के पल पता नहीं फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम, मुझे विश्वास है कि गौतम जी हमेशा इससे जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये दिल से जुड़ गया है, ये पूरा जो मंदिर, ये धरोहर, ये पाल और इन सब राजसमंद के प्रेमियों का प्रेम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अजीत सिंह जी का, अजीत जी का, जिन्होंने
वहाँ मंदिर भी बनाया है, मंदिर के जस्ट पास में मंदिर है और वो अपने मंदिर का भी ध्यान रखते हैं और ये सब गौतम जी की देन है। मैं तो रजी जी को जानता भी नहीं था, मैं नारायण जी को नहीं, नारायण जी कहाँ है? नारायण जी एक्चुअली वहाँ अभी स्टाफ चेंज हो गया तो अभी यहाँ का नहीं देख रहे, वो अलग हो गया। अच्छा, तो नारायण जी से आपने वीडियो में देखा होगा काफ़ी, नारायण जी बहुत ही। तो आज है मित्रों यहाँ पर होली का दिन है, पर मनाया जाता है शीतला सातम जो है वो मनाया जा रहा है। पूरे राज संबंध आज पूरी दुकानें जो है व्यवसाय वो बंद है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप पाल के देख रहे हैं। तो मछलियों को दाना डालने के लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है, बहुत ही खूबसूरत। आज इतिहासकार कहाँ चले गए डोकरे बा? आज आए नहीं वो, वो इतिहास बताने वाले क्या? अच्छा अभी गए। क्या नाम है ना उनका, बढ़िया नाम, नाम ही भूल जाता हूँ। बंसीलाल, बंसीलाल जी। तो देखे तो देखिए वोटिंग भी चल रही है यहाँ पे, वोटिंग का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही शानदार है, लेकिन बस दुख एक ही हो रहा है कि हमारे गौतम जी आज चले जा रहे हैं। तो आज कैसे बस एक ट्रेन से जाएंगे ना शाम को आप? तो फोटो वगैरह कर लिया सर? नहीं कर लेंगे, सामान ज्यादा कैसे ले जाएंगे? फोटो से ही जाएगा, देखते हैं क्या रहता है, जितना जा पाएगा जाएगा। तो देखें और राज संबंध में होली मनाई जा रही है और हमारे भाई सभी कलर में रंगे हुए आते हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली, कैसे हो? आनंद, बिल्कुल बिल्कुल। तो खूबसूरत राजसमंद के दृश्य आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक इमेज फैक्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।